साथियों नमस्कार, मैं गीतम सिंह ऑल इंडिया स्टॉप होटल मैनेजमेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। होटल ताजमहल पैलेस एंड टावर है मुंबई में, इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता, ये वर्ल्ड क्लास के होटलों में आता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें दुनिया के दिग्गज लोग, मुंबई के नामी ग्रामी, पूरी दुनिया के दिग्गज लोग आते हैं, चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, इस होटल में जरूर एक बार आता है। ये इस होटल की खूबी है। और लोग कहते हैं कि जी होटल मैनेजमेंट करके क्या मिलेगा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, इसमें एक वेटर की तनख्वाह कितनी होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बता देता हूँ आपको, एक वेटर यहाँ से 1,25,000 रुपये कमाता है, उसको विदेश किसी दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुंबई ताजमहल में जॉब ले सकता है अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से, तो इस होटल के अंदर एक वेटर 1,25,000 रुपये आराम से महीने में कमाता है। और मैनेजर की तनख्वाह कितनी होगी ये आप सोच सकते हो। यहाँ पे 1,00,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये तक तनख्वाह है लोगों की, और उससे ज़्यादा भी है सीनियर पोस्ट के हिसाब से। यह मुंबई की कोलाबा नामक जगह पर स्थित ताजमहल पैलेस होटल 5 सितारा होटल है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। ताज होटल रिजॉर्ट एंड पैलेस का एक हिस्सा है। यह इमारत इस समूह की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है, जिसमें 560 कमरे एवं 44 सूट्स रूम है। इसकी लोकेशन मुंबई भारत में आती है। उद्घाटन तिथि जिसकी है 16 दिसंबर 1903। वास्तुकार जो थे सीताराम खांडेरा वैद्य जी एवं डीएन मिर्जा जी। इसमें जो रेस्टोरेंट हैं वो 11 हैं। कक्षों की संख्या 565 है, सीढ़ियों की संख्या 46। और मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, ताज होटल 105 साल पुरानी इमारत है, मुंबई की पहचान बन चुकी। इस इमारत में महानगर के अमीर और संभ्रांत लोग आते जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। विदेश पर्यटकों में भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताज होटल काफ़ी लोकप्रिय है। ताजमहल होटल के से समुद्र का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। 26 नवंबर 2008 मुंबई में श्रेणीबद्ध गोलीबारी के समय यह होटल लगभग 60 घंटों तक आतंकवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। बहुत ही खूबसूरत इतिहास है इस होटल का। ताजमहल होटल पैलेस मुंबई का 5 सितारा होटल है। जैसा कि आप जानते हैं, ताजमहल होटल की मुख्य इमारत का निर्माण इंडो सरकैनिक शैली में टाटा द्वारा करवाया गया था, तथा इसे पहली बार 16 दिसंबर 1903 को खोला गया था। ताज का निर्माण द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ, और जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप इतना भव्य होटल एक बनना चाहिए। इसके मुख्य शिल्पी सीताराम खंडेरा वैद्य एवं डीएन मिर्जा थे, तथा यह प्रोजेक्ट एक इंग्लिश इंजीनियर W.A. चैम्बर द्वारा पूरा किया गया था। इसके निर्माणकर्ता खान साहेब सोराबाजी रतनजी थे, जिन्होंने इसकी प्रसिद्धि मध्यवर्ती तैरती हुई सीढ़ियां भी डिजाइन की थी। और बहुत ही सुंदर भव्य होटल। इसमें डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो जैसा कि हम बताते रहते हैं आपको, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जैसा कि आप देख रहे हो, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, सर्विस, जिसमें इतना सुंदर इतना रमणीक जैसे स्वर्ग से भी कुछ कोई अच्छी जगह है तो ये होटल है। एक बार कोई अच्छा पैसा कमा रहा है तो इस होटल में एक 24 घंटे के लिए अपने परिवार को लेके जाए तो ये समझ लेना कि ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में आ गए, इसमें कोई शक नहीं है। टाटा ग्रुप का होटल है। टाटा की ज़्यादातर है बात करें तो हम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर टाटा फेमस है। इसमें लाखों लोग एम्प्लॉई हैं अलग अलग जगह पर टाटा के लिए, अलग अलग समूह हैं, अलग अलग काम हैं। ऑल इंडिया स्टॉप होटल मैनेजमेंट की तरफ से